mas vamos. मेरे दोस्त की फिल्म है शशि रंजन की और मैं चाहता हूँ कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, सक्सेस हो और जो प्रोमोज आज देखने को मिले हैं वो प्रोमोज बहुत ही लाइवली है, कलरफुल है और शशि का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है क्योंकि रियल लाइफ में भी वो इज़ अ वेरी गुड ह्यूमरिस्ट, वेरी गुड मिमिक, हर एक्टर की नकल करता है, हर डायरेक्टर की नकल करता है, अपने दोस्तों की नकल करता है और अच्छी टीम के साथ उसने ये फिल्म बनाई है और मुझे लगता है आई एम क्वाइट श्योर द फिल्म विल बी वेरी गुड सक्सेस और अच्छी चलेगी फिल्म क्योंकि आज ह्यूमर का टाइम है, कॉमेडी का ज़माना है, लोग हंसना चाहते हैं, लोग इन्जॉय करना चाहते हैं तो टाइमिंग भी करेक्ट है फिल्म की। सर एक नई जनरेशन और जो हमारे कॉमेडी के किंग रहे हैं दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं तो ये जो मिक्सचर होगा इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मूवी पर कितना असर डालेगा ये और क्या मतलब आउटपुट कैसा आने वाला है? नहीं देखिए नई जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन, जनरेशन कोई भी हो अगर ह्यूमर अच्छा है, एंटरटेनिंग है तो लोग आएंगे और लोग एंजॉय करेंगे फिल्म। अच्छा फिर म्यूजिक की बात करी जाए, रूप कुमार जी एक फिल्मों में आ गए उसके बारे में आप बताइए। देखिए रूप बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर है, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है और चूंकि पर्कशन में रूप का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, बेसिकली इज अ वेरी गुड पर्कशनिस्ट और सुरीला है, गाता बहुत अच्छा है तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ अ रिदम, जिसका रिदम सेंस बहुत अच्छा होता है वो अच्छा कंपोज़र होता है तो इसकी कॉम्बिनेशन बहुत कमाल की है रूप की। जब फिल्म की बात चल रही थी और शशि के साथ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने कहा तुम रूप चूँकि हमारा अच्छा दोस्त भी है वाई डोंट यू ट्राई रूप इन योर फिल्म और रूप ने जिस तरीके से मॉडर्नाइज करके अपने पूरे इमेज को चेंज करके इसका जो म्यूज़िक दिया है वो बिलीव नहीं कर सकता आदमी कि रूप राठौड़ का म्यूज़िक है। यही इमेज बनती है किसी की यार ये गज़लों वाला आदमी है, ये पॉप वाला आदमी है, ये शायरी करता है, ये सूफी गाता है, उस पूरे इमेजेस को अपने तोड़ के रूप ने जिस तरीके से इसका म्यूज़िक दिया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छा कंपोज किया है। मतलब कि धूम धड़ाका जो हाल ही में हमारी कुछ कॉमेडी मूवीज आई थी 1, 2, 3 भी मूवीज रही है तो उससे कुछ अलग करने जा रही है मुझे लगता है डेफिनेटली और हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है, उन फिल्मों का अपना एक अपनी एक जगह थी, मुझे लगता है ये अपनी जगह लेके फिल्म चलेगी और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इरोस ने खरीदी है फिल्म, इरोस रिलीज़ कर रहा है तो प्रमोशन में कोई कमी नहीं होगी, मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होगी, रिलीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे कोई चीज़ रह गई होगी तो आई एम क्वाइट श्योर दैट कॉम्बिनेशन जो है सब चीज़ों का बहुत अच्छा और शशि जो है वो बहुत शशि और अनु जो है दोनों बहुत बड़े दिल के लोग हैं तो ये पूरे खुले दिल से इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। थैंक यू बोलो ऑल द कैमरा पीपल प्लीज बोलो। हाँ भाई कॉमेडी फिल्म है देखिए शशि बहुत फैमिली फ्रेंड है मेरा, मैं नहीं आता तो उसको बहुत बुरा लगता, एक्चुअली चांस नहीं था फिर भी 5 मिनट निकल के आ गए। म्यूजिक इज अ कॉमेडी फिल्म जिस तरह से होनी चाहिए एंड शशि हिमसेल्फ इज वेरी विटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है एंड आई नो ही विल मेक अ गुड फिल्म। आप क्या है आप तो किस्मत मीमो की किस्मत भूलेंगे, अभी तो पिक्चर रेडी 9 तारीख को रिलीज है, अब क्या रहेगा डांसिंग में तो मैं पहले कह चुका हूँ कि ही इज 25 times अहेड ऑफ मी, जबरदस्त डांसर है, मतलब आंखों के लिए आप कह सकते हो इट्स अ ट्रीट टू सी हिम डांसिंग बट एक्टिंग का सवाल 10 साल लगता है एक्टिंग का ये सीखने में टाइम लगेगा। We are starting our, please take your seats. मैं तो कह रहा ना कि मैं अकॉर्डिंग टू फिल्म इज अ कॉमेडी फिल्म उस हैसियत से बहुत बना।
ये सब मेरे दोस्त हैं या देखिएगा ऐसे भी ग्रेट फन देखिए ये तो हमारे लिए घर की बात है गुलशन अनुपम दे ऑल फ्रेंड्स तो ये तो हमारे लिए रोज की बात है आप लोगों के लिए एक चमत्कार होगा Excuse me, sir. Hello.